अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद याहिया मुस्तफ़ा। याहिया क्या करते हैं? BScS थर्ड सेमेस्टर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी मॉल क्या करने आए हुए हैं? ये शॉपिंग वगैरह ही करने आते हैं। शॉपिंग बहुत पैसा है? नहीं, छोटी मोटी चीज़ें। छोटी मोटी चीज़ें कहाँ, मॉल से भी मिलती हैं छोटी मोटी चीज़ें? नीचे ना बेसमेंट में, तो ग्रोसरी वगैरह अक्सर वहाँ से। ग्रोसरी वगैरह? क्या यहाँ पे हॉस्टलाइज है? नहीं, हॉस्टलाइज फैमिली के साथ रहते हैं। फैमिली के साथ हैं, तो फैमिली के लिए चीज़ें लेने आए हैं जी? बिल्कुल। अच्छा, हमारी आज की पहेली है, रेडी है? पूछ लूँ पहेली जी? पूछ। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बोलें कितने तीतर? पाँच तीतर। गलत जवाब। दोबारा। तीन तीतर। तीन तीतर, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, तालियां बजाएं अपने लिए। वेरी गुड जी, जवाब इन्होंने दे दिया है पहली पहेली में। और क्या करना चाहते हैं लाइफ में? लाइफ में सबसे पहले तो यही है कि दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए, क्योंकि मेन मकसद ही ये है कि इंसान का दुनिया में आने का कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करे, और बाकी दुनिया तो ये सिर्फ़ और सिर्फ चंद लम्हों की है, चंद घंटों की भी नहीं कह सकता, ना चंद दिनों की कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि अगले लम्हे क्या हो जाए हमारे साथ। इस वजह से इंसान को अपनी आखिरत की हर लिहाज से तैयारी करनी चाहिए, और हर अमल को उस तरीके से करे कि वो नोट हो रहा है। यानी दुनिया में तो इंसान हर किसी के सामने कम अमल नहीं करता ना, तो तन्हाई में इंसान ये सोचे कि उसे अल्लाह देख रहा है, कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह देख रहा है, तो इस वजह से इंसान को। आप तन्हाई में ये सोचते हैं? जी बिल्कुल, मैं सोचता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मेरा बेस्ट फ्रेंड फिलहाल तो कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिस पर ट्रस्ट किया जाए। टूटे हुए लग रहे हैं आप मुझे। क्या हुआ? नहीं, ये रियलिटी है, फैंटेसी की अपनी अलग दुनिया है, और रियलिटी की जो है वो फैंटेसी से। फैंटेसी में रहते हैं या रियलिटी में रहते हैं? जिस मर्जी में रह लें, क्योंकि आखिर में तो इंसान को मरना ही है, यही रियलिटी है। फैंटेसी में रहे या रियलिटी में? रियलिस्टिक हैं आप तो। होना पड़ता है लाइफ में। कहाँ जाने का शौक है लाइफ में? बाहर के मुल्क अगर जाना पड़े कहाँ जाएंगे? बाहर के मुल्क अगर जाने की चॉइस हो तो फिर मैं जाऊँगा तुर्की। जाऊँगा तुर्की? जाएंगे क्यों? हिस्ट्री है वहाँ पर इसलिए? जी बिल्कुल, वहाँ पे मुसलमानों की 600 साल पुरानी हिस्ट्री है, और मुसलमान क्या था और अब क्या है, उसमें ज़मीन आसमान का यानी कि एक बड़ा लेसन है कि हम मुसलमानों किस तरीके से तोड़ के बिखेर दिया गया, ये सब कुछ उधर वहाँ पे तुर्की में सारा एक हिस्ट्री है मुसलमानों की, कि कैसे मुसलमान अरूज पे गया और वहाँ से मुसलमानों का जवाल शुरू हुआ, और सारा तुर्की में सब कुछ वहाँ पर ही है। और पाकिस्तान का जो झंडा जहाँ तक मेरे इलम में आया, वो भी खिलाफत ख़त्म होने के बाद ही बनाया गया, चांद तारा, बाकी उनका रेड था, हमारा ग्रीन कर दिया गया बस, और दरमियान में माइनॉरिटीज़ के लिए वो ग्रीन कलर, वाइट कलर का भी ग्रीन एंड वाइट कॉम्बिनेशन कर दिया गया। ज़बरदस्त, ठीक है। मम्मीज़ देखनी है वहाँ जाके? नहीं, मम्मीज़ तो नहीं है वहाँ पे कम अज़ कम, लेकिन जो वहाँ मिस्र में? नहीं, मिस्र में तो नहीं। तुर्की मिस्र? नहीं, तुर्की अलहदा, मिस्र अलहदा। हाँ, जब सल्तनत उस्मानिया थी तब तो ये तुर्की हिजाज और सारी जो थी वो आपस में मिलती, और यरूशलेम वगैरह सारे एक ही अंडर आते थे, दो बड़े आज़मों पे या तीन बड़े आज़मों पे सल्तनत उस्मानिया कायम थी। मुझे लगता है हिस्ट्री का शौक़ है आप। जी बिल्कुल, हिस्ट्री का शौक़ है। क्या क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाऊंगा। ठीक है जी। कहानी सुना, जुबानी सुना, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, दुआएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, छुप छुपाते हुए, मुस्कुराते हुए, अपनी राहों में तकते हैं शर्माते हुए, सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने हाथ से सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरी जुल्फे सजाए, है तमन्ना हमें तुझे दुल्हन बनाए, नहीं मुश्किल वफा, ज़रा देखो यहाँ,
मेरी आंखों में बसता है तेरा जहां, कभी सुन तो जरा दिल कहता है क्या। मेरी दुनिया तुम ही हो तुम ही आसरा, दुआएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था प्यार हुआ था प्यार हुआ था प्यार हुआ था। नमाथीना मिसो अंजातो ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। नमाथीना मिसो अंजातो रतो वान तो ली वान सो ओ परती जानो पुरतामी विया ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। नमाथीना मिसो अंजातो यतो वान्तो लीवान्सो एसे ओ मयो तपरती जानो ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। से ओ मयो तपरती जानो तू भी सेवी दे पेली एसे पेली रे ला स्विंग मोंटानिया ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ। से पेली रे La swing montaña soto lombra divansor। ओ तुम भी तनहा थे हम भी तनहा थे मिलके रोने लगे, एक जैसे थे दोनों के गम दबा होने लगे। तुझ में मुस्कुराते हैं तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तुझसे अपनी रातों को सुबह हम बनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। चले बड़े बेहतरीन आपने गाने सुनाए, थैंक यू वेरी मच। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम देंगे आपको गिफ्ट हैंपर, पर जाते जाते आप सब्र कर जाएं, कोई पैगाम दें। मेरा पैगाम यही है कि सबसे पहले इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान दूसरों की गलतियां निकालता है तो उसके अंदर वो खुद गलतियां होती हैं। तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ ना सबसे पहले अपने अंदर अपने गिरेबान में जाग के देखना चाहिए, यानी ये किसी को मैं टीज़ नहीं कर रहा, इंसान को पहले देखना चाहिए दूसरों पर बात उठाने से पहले। और दूसरी बात ये है कि नमाज और कुरान पर फोकस रखे, क्योंकि क़यामत वाले दिन कुरान मजीद इंसान की सिफारिश फरमाएगा अल्लाह ताला के सामने, तो इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है। आपने देखा बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, और उन्होंने कहा कि आप जो है वो किसी की गलती निकालने से पहले पहले अपने गिरेबान में झांके।